संगत जी की तुसी जानना चाहोगे कि वह किहड़ा स्थान सी जिथे धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पंगाणी का युद्ध लड़न तो पहले अपनी छावनी बनाई सीगी ते नाल ओ स्थान जिथे उन्होंने जंग के मैदान में थम कढ़िया सी। फतेह दी सांझ पौंटा साहब की धरती तो आओ सारे रज के गज के बुलाइए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज नवे दिन की शुरुआत हुई है तो अज असी आप जी लैके चलांगे दो इतिहासिक स्थानों के उत्ते जिहड़े कि पंगाणी के युद्ध के नाल उन्हों का इतिहास जुड़िया हुआ है। तो सब तो पहले आप सारा का जिहड़े अपने अपने घर बैठ के देशों विदेशों में पिंडा पिंडा में साड़ी स्पिरिचुअल जर्नी यात्रा धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साढ़े यूट्यूब चैनल द अर्बन ट्रैवलर ते नाल पीटीसी सिमरन दे उत्ते रोज़ाना देखते हैं हो आप सारयां नूं बहुत बहुत धन्यवाद जी आयां नूं ते आप सारां दा खैर मकदम। अज असी आप नूं लैके चलांगे जिस स्थान दे उत्ते उत्थे दो गुरद्वारा साहब ने। एक गुरद्वारा साहब दा नाम है गुरद्वारा श्री दशमेश दरबार जिन्हों छावनी साहब भी आखने हैगे। दूजे गुरद्वारा साहब दा नाम है गुरद्वारा श्री रण थंभ साहिब। दोनों इतिहास दे विच बड़े महत्वपूर्ण स्थान ने जिथे पंगाणी के युद्ध के नाल जिहड़ा इतिहास सीगा उन्होंने बिना अधूरा हैगा। इस करके चलने आप जी लैके चलने सब तो पहले गुरद्वारा श्री दशमेश दरबार उहदे दर्शन कराने उपरांत लैके चलांगे गुरद्वारा श्री रण थंभ साहब। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ज्योंदियां दे विच करिया सी जोश ऐसा भरिया सी वाहिगुरु जी वाहिगुरु कर कोई ना सकदा यो जो तुसाने करे असी जी गुरु ग्रंथ चो जी तेरे पंथ चो गुरु ग्रंथ चो जी तेरे पंथ चो दाता मिलन बथेरिया मौत मूरे अड़ गए सी जुल्मा दे नाल लड़ गए सी वाहे गुरु जी वाहे गुरु छू के थोड़े पैरानू सर सादे पानी खड़ गए सी जी तेरे प्यार ने दरबार ने तेरे प्यार ने दरबार ने परतियां मेरिया वावा रमजा वावा रमजा तेरिया वे बाबा वावा रमजा तेरिया वावा रमजा तेरिया वे बाबा वावा रमजा तेरिया। संगत जी हुण असी आप जी नूं लैके आ पुजे हैगे आ गुरद्वारा श्री दशमेश दरबार पातशाही दसवीं जिन्हों गुरद्वारा श्री छावनी साहब के नाते भी जाने जाता है। पौंटा साहब तो 8 किलोमीटर की दूर से स्थान जिहड़ा कि अज साडा पहला गुरद्वारा होएगा अंदर चले हैं आप जी गुरद्वारा साहब के दर्शन कराने उपरांत दसांगे इत्थे दा संपूर्ण इतिहास तो फिर लैके चलांगे इत्थों तो अगले स्थान के उत्ते जिहड़ा कि दूसरा गुरद्वारा इस इतिहास नाल वह भी संबंधित है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Thank you.
ऐसी मांग गोविंद ते, ऐसी मांग गोविंद ते, ऐसी मांग गोविंद ते, ऐसी मांग गोविंद ते। टहल संतन के संग साधु का, टहल संतन के संग साधु का, हर नामा जप परम गते, ऐसी मांग गोविंद ते, ऐसी मांग गोविंद ते, ऐसी मांग गोविंद ते, ऐसी मांग गोविंद ते। संगत जी आओ हुण आप जी नाल सांझ पा लिया गया गुरद्वारा श्री दशमेश दरबार पातशाही दसवीं जिन्हों की गुरद्वारा श्री छावनी साहब भी आख्या जाता है उहदे इतिहास के बारे में। जंग का ऐलान हो चुकिया सीगा ते दोनों तरफों नाल जंग दियां जोर शोर नाल तैयारियां शुरू हो चुकिया सन। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जंग वास्ते एक ऐसे स्थान का चुनाव करते हैं जिहड़ा कि गीर नदी के कंडे ते हुंदा हैगा। स्ट्रैटेजिकली उस स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट सीगा क्योंकि नाल नदी बह रही सी ते उस स्थान दे उत्ते कुछ ऐसे टिब्बे सी जिथे सिंह फौजा उत्तों चढ़ के लड़ाई कर सकदियां सीगियां। हुण लोड़ सीगी कि जंग दे मैदान दे नेड़े एक छावनी होवे क्योंकि पौटा साहब दा स्थान जिथे गुरु साहब दा किला सीगा उत्तों तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी ते सी। इस करके एक छावनी वास्ते जगह लभी गई जिस स्थान दे उत्ते आप जी ए सोहना गुरद्वारा साहब देख रहे हैगे हो। इस स्थान दे उत्ते गुरु साहब ने उस वक्त अपनी छावनी बनाई जिन्हों बाद विच गुरद्वारा दशमेश दरबार के नाम तो जाणिया गया। युद्ध शुरू होण तो पहला ऐसी स्थान दे उत्ते धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने शूरवीर योद्धावां नाल ते अपने सेनापति संघो शाह जिहड़ा कि उन्हां दे बुआ दे पुत्तर सीगे उन्हां नाल इत्थे बैठ के युद्ध दी नीतियां युद्ध किस तरीके नाल लड़िया जावे उहदी स्ट्रैटेजी की होवे इस सारियां गल्लां दा विचार विमर्श ऐसी स्थान ते बैठ के कीता करदे सी। ऐसी स्थान ते बैठ के युद्ध दी ओह रणनीति तय होई कि असी 25,000 दी सेना दे सामने अपने 7,000 जवान किस तरीके नाल लड़ावांगे। ऐसी स्थान ते बैठ के धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने अपने योद्धावां नूं मोटीवेट कीता। ਇਹੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਨਿਰਣੈ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਥੰਮ ਕਿੱਥੇ ਗੱਡਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਛਾਵਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਸੀ ਛਾਇਆ ਰੱਬ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਵੱਖਰੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਕੇ ਕੋਟਕ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਖੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਛਾਵਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਕਰੋ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਜੈ ਤੇਗੰ 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 ਜੈ ਤੇਗੰ।
हग खंड बेहंडंग खलदल खंडंग अदरण मंडंग बरबंडंग अदरण मंडंग बरबंडंग अदरण मंडंग बरबंडंग हग खंड बेहंडंग खलदल खंडंग अदरण मंडंग बरबंडंग अदरण मंडंग बरबंडंग अदरण मंडंग बरबंडंग जय ते गम जय 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 ते गम जय ते गम जय 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 ते जय ते गम 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 पूज दंड अखंडंग तेज प्रचंडंग ज्योति अमंडंग पान सिंह जी आप बुझे असी हुण गुरुद्वारा श्री रणथम साहब ते सानू गुरद्वारा श्री दशमेश दरबार यानी कि गुरद्वारा श्री छावनी साहब तो इतने पुजन 12 किलोमीटर का सफर तय करना पाया। एक एक दिन भी असं आप दो गुरद्वारा साहब के शूट करते हैं तो फिर शाम हो ही जाती है। इस वक्त शाम के बज रहे हैं 4 तो थोड़ा थोड़ा मौसम ढल गया है, सूरज ढल गया है, तो हो सकता है कि अज के एपीसोड में आपू असी शाम के भी दर्शन कराइए कि गुरद्वारा साहब शाम वेले किस तरह लगते हैं। यह वो स्थान है जिथे धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने एक थम कढ़िया तो एक इतिहास जुड़िया हुआ है। पंगाणी साहब गुरद्वारा ए बिल्कुल ही नाल है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जे आप पौंटा साहब तो गल करिए स्थान जिस रस्ते असी आए हैं अच्छ सूँ 18 किलोमीटर का सफ़र तय करना पाया। आओ अंदर चलने दर्शन करने मथा टेकने तो फिर बैठ के आप नाल तसली नाल आपको दसांगे इतने का इतिहास। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सावे सुंदरा मैया सावे सुंदरा मैया मेरा मन लागा तो हे मेरा मन लागा तो रहनी रहे सोई सिख मेरा रहनी रहे रहनी रहे सोई सिख मेरा ओ साहिब मैं उसका चेरा ओ साहिब मैं उसका चेरा रहनी रहे रहनी रहे सोई सिख मेरा ओ साहिब मैं उसका चेहरा ओ साहिब। जो जी मेरे गोविंदा जो जी मेरे प्यारे आ हर प्रभु मेरा जो जी जियो हर प्रभु मेरा जो जी जियो जो जी मेरे। आओ खालसा जी हुण आप जी नूं सी सर्वन कराने आ गए हैं गुरुद्वारा श्री रणथम साहब जी का इतिहास। रणफेरी बच चुकी हैगी, दोनों दी सेनावां आपस में भिड़न वास्ते तैयार ने। ते गुरु साहब धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपनी सेना दे मनोबल नूं वधाउण वास्ते अपने सेनापति संघो शाह जिहड़े कि उन्हां दे बुआ दे पुत्र सीगे उन्हां नूं सद्दे ने ते उन्हां नूं आखदे ने कि अपनी अद्धी सेना नूं तुसीं लै जा के रण दे विच खड़ा कर दिओ ते उत्थे एक थम कढ़ो।
गुरु साहब जी दूरदर्शी सीगे, उन्होंने संगो शाह ने जो हुक्म दिता तो संगो शाह ने उस हुक्म का पालन किया। संगो शाह जी ने जाके रण दे विच ही अपनी अद्धी सेना नू ले जाके उत्थे एक थम गड़िया ते अपनी सेना नू जो बचन गुरु साहब जी नू कहे सीगे ओ उत्थे दसे कि इस थम तो कोई पिछे नहीं जाएगा, कोई पिछे नहीं हटेगा, जे अगे वध सकदे हैगे ओ ते बहुत चंगी गल है, लेकिन इस थम तो कोई पिछे नहीं जाएगा। गुरु साहब जी दे सैनिकां ने गुरु साहब दे बचन नू सिर मत्थे रखिया ते जयकारा छड़ के वचन दा पालन करन दा उत्थे निश्चय कीता। दुश्मन दी 25,000 दी सेना दे सामने इस तरह डट गए कि एक भी बंदा उत्थों पार कर अगे ना जा सकिया। अंत विच गुरु साहब दी जीत होंदी है ते ए युद्ध जित लिया जांदा हैगा। ऐ सीगा गुरु साहब जी दे दूरदर्शिता दा परिणाम। इतिहासिक महत्व रखण वाला ए स्थान गुरुद्वारा श्री रणथम साहब इतिहास दे मायने विच अपने आप विच बहुत वड्डा महत्व रखता है, जिस करके आप जी नूं असीं इत्थे दे दर्शन कराउण वास्ते लैके आए हैगे। इत्थे एक बहुत छोटा जिहा स्थान हैगा जिहदे अंदर महाराज दा स्वरूप प्रकाशमान है। हले गुरुद्वारा साहब दी बिल्डिंग दे उत्ते गुंबद भी नहीं बनिया, बिल्डिंग दी उसारी चल रही हैगी, क्योंकि यह स्थान गुरुद्वारा श्री पंगाणी साहब जी दे बिल्कुल सामने है। इस स्थान दे उत्ते यह घटना वापरी, इस करके इस स्थान दे उत्ते गुरुद्वारा बनाया गया। सो यह सीगा गुरुद्वारा श्री रणथम साहब जी का छोटा जिहा इतिहास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर टाक लिया ओहे पापी पड़दा, निर्गुण राख लिया संतन का सदका। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी सत्संग जी, आप जी गुरुद्वारा श्री रणथम साहिब के दर्शन कर रहे हो। गुरुद्वारा श्री रणथम साहिब पातशाही दसवीं जदों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पौंटा साहिब तो चाले पा करके इस अस्थान ते पूजे, इस अस्थान तो पूज करके सब तो पहले उची टिब्बी वेख करके लड़ाई वास्ते मैदान चुनिया। गुरु जी के भुआ दे पुत्र होंदे ही भाई संगो सा उन्होंने कह करके इस अस्थान ते थम गडवाया ते सिंघां नूं संबोधित कीता जी तुसी इस थम इस टिब्बे थले उतर के लड़ाई नहीं करनी, जिहड़े बैरी आणगे तुसी इस तों अगे नहीं आउण देना। इस स्थान ते मोर्चा बंदी लाई हुई सी, लड़ाई दी आरंभता कीती सी, लड़ाई तो उपरंत इस स्थान ते गुरु प्यारी साध संगत जी थम गडवाया ते थम सीगा लकड़ी दा पोल, वह खराब हो गया सी, निशानियां पईआं महाराज साहब दियां कड़ा खंडा किरपाण सिक्के, यह निशानियां बहुत सारियां होंदी सन। जदों ये निशानियां इस स्थान तो निकली तो उन्होंने जिहड़ी ये जमीन जिहड़ी सीगी ये पंडता दी हुंदी सी। जदों पंडतां ने इस स्थान ते कोई भी चीज़ बीजनी शुरू की, हल जिहड़ा सीगा थले पत्थर टकराया, जदों हल पत्थर टकराया तो उन्होंने इस स्थान नूं खोद के वेख्या तो इस स्थान तो उस तरह निशानी निकली महाराज साहब दियां कड़ा खंडा किरपाण सिक्के, यह निशानियां बहुत सारियां होंदी सन। तो पंडतां ने इन्हां निशानियां बारे पता नहीं सी, वेद भी की सुट देने, बच्चों ने गिटिया बना खेलनिया परंतु थले लवाईया हुई सन जी। जदों इन्हां निशाने की बेदबी की तो उस तो बाद उन्हां करचे उपद्रव होए, बच्चे डैद जानी, पशु डैद जानी, पंडित का बुरा हाल हुआ, खाण तो भी तरस गए। फिर ये निशानियां ले करके बाबा जी होंदी संत सरूप सिंह तिरगड़ी वाले उन्हां कोल लगे गए तो उन्होंने इस स्थान बारे पंडितों नूं सारा ही इतिहास दस्या ते नाल ये भी कहा जब तक तुसीं इस स्थान ते महाराज साहब का प्रकाश नहीं कराओगे तो थोड़ा भला नहीं होने का। तो उन्होंने इस स्थान पर 10-20 जमीन छड़ी, बाबा जी ने इस स्थान पर आ करके प्रकाश किया तो कई साल झुकी जे पर महाराज साहब का प्रकाश रहा। इन्ना निशान निकलन करके इस स्थान का नाम गुरुद्वारा श्री रणथम्ब साहिब पातशाही दसवीं पिया, रण मन लड़ाई थम गणे थम सा पिया गुरु प्यारी साध संगत जी। इतिहासिक स्थान का वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
दान मांगो राम ते इक दान सगल मनोरथ। संगत जी आज दे एपिसोड विच आप जी ने दर्शन किए दो दो गुरुद्वारा साहब जी दे। पहले गुरुद्वारा श्री दशमेश दरबार जिन्हों छावनी साहब आख्या जाता सीगा उदे उपरांत गुरुद्वारा श्री रणथंभ साहब जी दे ते जाने इत्थे दा संपूर्ण इतिहास। कल आप जी नूं असी पंगाणी साहब दे युद्ध नाल ही संबंधित दो होर गुरुद्वारा साहब दे दर्शन करावांगे ते दसांगे उत्थे दा भी पूरा इतिहास। ते कल तक तुसी साडे नाल बने रहो ते अपना प्यार बनाई रखो ऐसी तरीके नाल देखते रहो साडा प्रोग्राम स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ द डरबन ट्रैवलर यात्रा धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साडे यूट्यूब चैनल ते नाल ही दो वार दिन विच पी टी सी सिमरन दे उत्ते। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू जी वाहेगुरू कर कोई ना सकदा यो जो तुसाने करे असी जी गुरु ग्रंथ चो जी तेरे पंथ चो गुरु ग्रंथ चो जी तेरे पंथ चो दात मिलन बथेरिया मौत मूरे अड़ गैसी जुल्मा दे नाल लड़ गैसी वाहे गुरु जी वाहे गुरु छू के थोड़े पैरा